इसी सिलसिले की एक कड़ी है जो हमें ऊपर शाबाश जब मैं बोलूंगा पुल दे दो उसी शाबाश बर्फ गिरती है तो मतलब मैं जब से आया मुझे बर्फ दिख नहीं रही, लेकिन जितना कुछ आज दिन में हमें हो सके और अगर अल्लाह ने चला है और त्राल में भी स्नो कितना हो रहा है पंप बहुत ही शुक्रगुजार है इनके, क्योंकि अगर हम पिछले साल भी बात करें तो जहां तक मेरा ख्याल है मैं पिछले 2 साल से ही विंटर स्नो का जो टूर्नामेंट खेलता आया हूँ। काफ़ी शुक्रगुजार हूँ मैं यहाँ स्पोर्ट्स ऑफिस के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में है, क्योंकि आज जो विंटर चल रहा है विंटर में हम सारे लड़के जो होते हैं अंदर घर में बैठे पड़ते हैं और कांगड़ी वांगड़ी ऐसा कुछ के साथ बिजी रहते हैं, तो इसलिए हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं उनका क्योंकि ये इवेंट करवाते हैं और हमें काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे और हम खेलते हैं और इससे हमारी जो माइंड है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है और माइंड भी फ्रेश रहता है, इनसे हम बहुत शुक्रगुजार हैं। चिल्ले क्लाइम तो चला गया, सूखा ड्राई चला गया, लेकिन फिर भी ऊपर वाले हमारी दुआ सुन ली, फरवरी महीने में बर्फ अच्छी हो गई। आज हम पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ संगर बनी जो एक हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के एक दूसरा के इलाका है जहाँ पर हम आज एथलेटिक्स में रनिंग और टाका बार क्रिकेट अगर बर्फ अच्छे रही तो हम उसका कबड्डी और दूसरी गेम का भी इसको हम वहाँ पर मनगत करेंगे। बर्दी ड्यूटी कमीशन साहब की मेहरबानी और उनकी मदद से और उनकी टीम की मदद से यह जो एक्टिविटी हमें जो छोटी बड़ी हम करवाते हैं इसकी कामयाबी का श्रेय जो है पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे बद्री ड्यूटी कमीशनर जनाब बशर कुन साहब को जाता है। बर्फबारी से जहां आम लोगों ने राहत पाई है वही कंडी इलाकों में पुलवामा के कंडी इलाकों में महकमा यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स ने विंटर गेम्स का इनाकाद किया। हम इस वक्त मौजूद है बाग संगरवनी में, यहाँ पर महकमा यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स ने विंटर गेम्स का इनेकाद किया है। हर साल किया जाता था, ताहम इस साल बर्फबारी काफ़ी देर से होने की वजह से इसमें ताखीर हो गई, लेकिन बिल आखिर यहाँ के नौजवानों को एक राहत मिल गई। बिलाल खान, न्यूज़ 18, बाग संगरवनी, पुलवामा।